करुणा मूलक संघ हिमाचल प्रदेश की इकाई उपमंडल नूरपुर ज्वाली इंदौरा व फतेहपुर के सदस्यों ने एसडीएम फतेहपुर अंकुश शर्मा के माध्यम से मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश को ज्ञापन भेज सरकार द्वारा 7 मार्च 2019 को बनाई गई पॉलिसी के तहत आ रहे सभी करुणा मूलक आश्रितों को वन टाइम सेटलमेंट देने की गुहार लगाई है। इस मौके पर संघ की तरफ से बलविंदर राणा ने बताया कि सरकार करुणा मूलक आश्रितों को राहत देने की बजाय उलझती जा रही है। सरकार नई नई शर्तें लगाकर करुणा मूलक आश्रितों को परेशानी में डाल रही है। उन्होंने सरकार से आवेदन किया है कि करुणा मूलक आधार पर नौकरी की पॉलिसी में संशोधन करते हुए सालाना आय की 62,500 रुपए की शर्त को हटाया जाए, साथ ही 5% कोर्ट की शर्तों को भी ना जोड़ा जाए। कहा जो भी कोर्ट केस से बहाल हुए हैं उन्हें भी तत्काल नियुक्ति दी जाए। आपका नाम? सर मेरा नाम चेतन सिंह है। आज एसडीएम साहब के माध्यम से किसको ज्ञापन भेजा गया है? सर माननीय मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी को। ये किस विषय पे है? सर ये है हम करुणा मूलक आश्रितों को नौकरियों के विषय के ऊपर। काफ़ी सालों से सरकार द्वारा करुणा मूलक आश्रितों को नौकरियाँ नहीं दी गई हैं। उसके उपलक्ष्य में हमने 6 तारीख को विधानसभा का घेराव भी किया था। हमें वहाँ पर भी जयराम जी से माननीय मुख्यमंत्री जी से मत कि हम एक कमेटी का गठन करेंगे, पर हमारे मांग ये है मुख्यमंत्री जी से कि आप जो पहले पॉलिसी बनाई थी 1/3/2019 की, उसके अंतर्गत जितने भी केसेज आते हैं चाहे वो बोर्ड कॉरपोरेशन चाहे विभागों में हैं उनको वन टाइम सेटलमेंट दी जाए, वन टाइम सेटलमेंट देके सबको नौकरियां दी जाए। और दूसरा जो उन्होंने कमेटी का गठन का हवाला दिया है कि कमेटी मुख्य सचिव की अध्यक्षता में कमेटी बनेगी, उसके बाद मतलब हम वन टाइम सेटलमेंट का सोचेंगे, तो हम ये चाहते हैं कि वो उसमें कमेटी का गठन उनके लिए हो जो 62,500 की शर्त है जहाँ 5% कोटा ख़त्म करना का विषय है, उसके उपलक्ष्य में सरकार कमेटी का गठन करे और उसका भी एक सरकार टाइम निश्चित करे, क्योंकि अक्सर कमेटी जो है मामलों को लटकाने के लिए ही बनाई जाती है। तो हमारी माननीय मुख्यमंत्री से एक बार फिर से विनती है, उसी उपलक्ष्य में हमने आज एसडीएम महोदय से महोदय द्वारा एक ज्ञापन दिया है कि जितने भी करुणा मूलक आश्रित जो 1/3/2019 की पॉलिसी है उसके अंतर्गत आते हैं उन सबको वन टाइम रिलैक्सेशन देकर सरकार नौकरी देने की कृपा करे। कितने कैसे लाभार्थी हैं जिनको अगर ये? सर इस टाइम 4500 परिवार ऐसे हैं जो पिछले 15 सालों से करुणा मूलक नौकरी के आस लगाए बैठे हुए हैं। सर आज करुणा मूलक संघ हिमाचल प्रदेश की तरफ से एसडीएम फतेहपुर को ज्ञापन दिया गया, किस बारे में है ये? सर ये हमारे जो करुणा मूलक संघ हिमाचल प्रदेश है हमारा अनशन शिमला में चला हुआ है पिछले 15 दिनों से, तो हमारी सरकार से हमारा ये अनुरोध है सरकार से कि हमारे 15-20 सालों से जो केस हमारे करुणा मूलक के केस जो पेंडिंग पड़े हुए हैं तो उस पर हमें थोड़ी जो राहत प्रदान की जाए। सर इसमें क्या है कि सरकार ने कुछ कंडीशन लगा दी गई है, जैसे कि 5% कोटा। पहली बात तो 5% कोटा हमें दे दिया गया, इसकी वजह से जो है काफ़ी जो हमारे केसेज और ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं और ना तो उनकी समय पर नियुक्ति हो रही है। और दूसरा इसमें एक शर्त लगाई है 62,500 की इनकम क्राइटेरिया जो कर दिया सरकार ने, तो उसमें भी जो भी हमारी जिनकी मतलब कोई किसी की तो पेंशन नहीं है, जैसे हमारा फॉरेस्ट कॉरपोरेशन का केस है तो इसमें सर पेंशन नाम की तो कोई चीज़ भी नहीं है। तो बोलने का मतलब ये है कि अगर किसी घर का जो मेंबर चला जाता है तो उनकी जो सैलरी होती थी जैसे 15,000-20,000, उसके बाद ना तो हमें पेंशन, तो हमारे घर का जो खर्चा चलना बहुत मुश्किल हो गया। तो हम सरकार से यही उम्मीद करते हैं कि हमें जो सारे के सारे 2019 की पॉलिसी में आते हैं उन्हें वन टाइम रिलैक्सेशन दी जाए, और यही हमारी सरकार से हाथ जोड़ के विनती है। शुभ नाम? मेरा नाम बलविंदर राणा है। एन स्टार न्यूज के लिए फतेहपुर से विजय सम्याल की रिपोर्ट।